चलिए स्टार्ट करते हैं सर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि अमेंडमेंट्स की निश्चित रूप से मे अटेम्प्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है और इस अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं भी और काफ़ी सारे अमेंडमेंट हैं, तो मैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको पहले आपके साथ में डिस्कस करूंगा, सो दैट आर मेजर टाइम गोज ऑन दोज टॉपिक्स ओनली विच कैरी द इम्पॉर्टेंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो द फोकस इज टुवर्ड्स देम। तो हो सकता है सर मैं कुछ एक अमेंडमेंट जो मेरे ओपिनियन में इंपॉर्टेंट ना हो, मैं उनको क्लास में ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम डिस्कस नहीं कर पाऊं। एंड इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली द अमेंडमेंट्स पोर्शन, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी केस लॉज, एंड आई एम रियली सॉरी टू से आई एम ऑल्सो नॉट डिस्कसिंग ICDS टूडे, क्योंकि ICDS अपने आप में एक डिस्कशन के लिए अलग से अपने को क्लास लेना पड़ेगा, दैट आई विल अनाउंस। पर अभी अपने को अमेंडमेंट्स पर फोकस रखते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसका ओरिएंटेशन किस प्रकार का, उस पर क्वेश्चन बन सकता है और अगर वो क्वेश्चन बनेगा तो हमारे को उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज समझते हुए यहां से चलना है। सो आई बिगिन विद द असेसमेंट विच स्टार्ट्स विद सेक्शन 2 क्लॉज 13A। इसको अभी मैं सर पहले वाले को पिक नहीं कर रहा, बिजनेस ट्रस्ट को, बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड डिस्कशन में अलग से आपके साथ में अभी इसी क्लास में करूंगा, वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन है सर, लेकिन उसको अपने को इजी वे के अंदर समझने का कोशिश कर रहा है, मैं उस पर बाद में आता हूँ। मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सर सेक्शन 2 क्लॉज 15 से, द मीनिंग ऑफ द टर्म चैरिटेबल पर्पजेज फॉर द पर्पजेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैज बीन फेसिंग वेरियस चेंजेस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज देयर हैव बीन कंटेंशंस दैट व्हाट इज अ चैरिटेबल पर्पज एंड व्हाट इज नॉट अ चैरिटेबल पर्पज। सो व्हेन इट इज अ मैटर दैट व्हाट इज अ चैरिटेबल पर्पज, एवरीबॉडी हैज टू रेफर टू द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 14। और यदि मैं सेक्शन 2 क्लॉज 14 पर जाकर के रीड करता हूं तो सर वो कहता है कि चैरिटेबल पर्पज मींस रिलीफ टू पुअर, इट मींस एजुकेशन, इट मींस मेडिकल पर्पजेस, इट मींस कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, वाटरशेड्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। सो वॉट इज कॉन्टेंशियस इज द जनरल पब्लिक यूटिलिटी वन टॉपिक, सेकेंड बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट highly interested into yoga activity, the government has specifically created yoga activity as the charitable purpose for the purposes of section 2 clause 15, and correspondingly it has relevant references in section 11 and 13 also. So when a person is teaching yoga and or he is operating a coaching institution for yoga, whether this will be counted to be a charitable purpose or not, this could be the first question. ये बोला साहब जब कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, योगा की कोचिंग क्लासेस ले रहा है, पढ़ा रहा है, योगा के सेशंस ले रहा है, तो क्या उसको हम चैरिटेबल पर्पस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मान लीजिए आई एम योग गुरु, विच आई एम नॉट, बट आई स्टार्ट टेकिंग सम योगा क्लासेस और आप सब मेरे पास में आए, मैंने सबको बोला सब चलो आज प्राणायाम से शुरू करते हैं, आई चार्ज यू 1000 rupees फीस फॉर 15 days कोर्स, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 2 clause 15, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग इज इन माई पर्सनल कैपेसिटी। So I have to first shift into a charitable organization or institution, my structuring should be like that, where I prima facie I say that I am not for profit organization. So that thing can never be dispensed with, that thing can never be dispensed with. So first it has to be ensured that the assessee is conducting an institution or a charitable activity which is basically not for profit, and second it is then annexed to, connected to the yoga. And the charging of the fees which can be said to be the PGBP, even if in yoga you charge the fees and it may be treated to be PGBP, whatever is the amount of receipt, you are eligible to qualify for section 2 clause 15 and accordingly entitled to get the benefit of section 11 and 12. So to say it in simple term, if I establish an institution in which I write this is not for profit organization like Patanjali, and then I start doing business in which I keep on teaching yoga, and for yoga I may charge some classes fees, that yoga charges fees is not taxable because section 2 clause 15 specifically treats yoga as a charitable purpose, first thing. Second, the second amendment is in regard to the general public utility, kyunki sir government ka lagatar intention yahi hai ki general public utility ke naam par aap koi bhi kaam karke dikha dete hain and you claim that this is a charitable purpose. So that thing has now not been accepted by the government, but still government is not removing general public utility term from section 2 clause 50. So let's say we take up an example that there is a
institution which is called Awas Foundation. Okay. I am just naming it for your reference. Ye bola sahab ek sanstha hai, iska naam hai sir Awas Foundation. Now what this Awas Foundation does, in its constitution it has been said that this is an institution or a foundation which has been created for being not for profit organization. This institution which will be carrying out its activity only for charitable purposes, and the main objective of the trust will be to find out the new and new techniques which will be useful or helpful in erecting construction works all across the globe. तो वो क्या बोले, बोला साहब ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसकी जो टेक्निक होती है वो टेक्निक हम ऐसी डेवलप करना चाहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि जो धीरे 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 हम उसकी कॉस्ट को मिनिमम ला सके, के क्वालिटी बढ़िया हो और उसका जो पर्टिकुलर प्राइसिंग है वो लोएस्ट हो. अब सर जब बिल्डिंग मटेरियल पर मैं बात करता हूं तो बिल्डिंग मटेरियल केवल रिलीफ टू पुअर के लिए ही है ऐसा तो जरूर नहीं है, एनीबडी कैन यूज इट. सो दिस विल नॉट फॉल इनटू रिलीफ टू पुअर, मेडिकल, एजुकेशन एक्सेट्रा. सो वेयर इट इज बाउंड टू देन फॉल, इट इज बाउंड टू देन फॉल इनटू जनरल पब्लिक यूटिलिटी. अब ये जनरल पब्लिक यूटिलिटी की एक्टिविटी चल रही है, मान लीजिए इनके पास में सर इस साल 20 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, इस साल इनके पास 20 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, जिसमें इनके खुद के जहां पर ये सर्विसेज देते हैं वहां भी फीस चार्ज करते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार भी इनको कॉन्ट्रीब्यूट करती है और इनको कहीं ना कहीं से बिल्डर एसोसिएशन से डोनेशन भी मिलते रहते हैं. तो इन सब एक्टिविटीज से ही अपनी खुद की एक्टिविटी, इन सब डोनेशन से, इन सब इनकम से अपनी एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं. सो नाउ व्हाट द लॉ हैज प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 2 क्लॉज 15, अर्लियर देयर वाज अ स्टिपुलेशन कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आपका टोटल ऐसा रिसीट जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला 25 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. इफ इट विल एक्सीड 25 लाख रुपीज देन यू विल प्राइमा फेसाई बी नॉट एलिजिबल टू बी ट्रीटेड टू बी अ चैरिटेबल पर्पस. Now that 25%, 25 lakh criteria has been removed, and in its place, what has been replaced is the 20% of the total receipt. So this 20% of total receipt means what, sir? कि अगर 20 करोड़ की इनकी total receipt है और इनके पास में 4 करोड़ तक के collection खुद की activity से आ रहे हैं, जिसके अंदर ये किसी को consultancy देते हैं, वहाँ से fees charge करते हैं. That is also a business. Now this particular 4 crore rupees, if up to this amount they are receiving, there is no problem, no taxation would be faced by them because they will be continued to be treated to be charitable purpose. But moment they exceed this amount, or let's say I say out of 20 crore, 8 crore is the amount which they have collected in this particular manner. Now what is bound to happen? They will not be treated to be a charitable purpose institution and hence would not be qualifying for the purpose of section 11 and 12. So it means aapko क्या क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए आ सकता है कि सच इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज ऑपरेटिंग इनटू जनरल पब्लिक यूटिलिटी एरिया एंड इट इज गेटिंग फॉलोइंग रिसीट, वेदर द रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन विल बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 और नॉट. कमेंट, दिस कुड बी अ 3 मार्क्स क्वेरी एंड देयर इन यू हैव टू जस्ट चेक दैट आउट ऑफ द टोटल रिसीट. नाउ समबडी मे फर्दर कंफ्यूज यू बाय सेइंग दैट ऑफ दिस जनरल पब्लिक यूटिलिटी और ऑफ ऑल द रिसीट्स ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, some receipt may be in the nature of the donation, some of these donation may be anonymous, some of them may be non anonymous, some of them may be corpus, some of them may be non corpus, some of them may be in the nature of interest, dividend, etc. So are we going to include all of them or not? For this I would like to read how it has been written into section 2 clause 15. suniyega sir, jinke paas mein act nahi ho wo meri baat ko sun lijiyega to aapko samajh mein aa jayega ki what has been provided in the law. Now this proviso which is replaced and a new proviso is inserted in section 2 clause 15 reads as, provided that advancement of any other object of general public utility shall not be a charitable purpose if it involves carrying on of any activity in the nature of trade, commerce or business, or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for assess or fees or any other consideration irrespective of the nature of use or application or retention of the income from such activity, unless first condition such activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility. So wo to hai hi sir, kyunki hamesha actuality of the circumstances is required. Next, the aggregate receipt from such activity or activities during the previous year do not exceed 20% of total receipts of the trust or institution undertaking such activity or activities of that previous year. क्या बोला सर? टोटल रिसीट.
moment it quoted total receipt, one, it is gross amount. Second, it is not income, it is total receipt. So total receipt would then certainly comprise of the donations, which are either anonymous, non-anonymous, corpus, non-corpus, or maybe having interest income, maybe having dividend income. Somebody may confuse you ke bole yaar dividend income to exempt hoti hai, to dividend income exempt hoti hai to kya usko section 11 and 12 ki is 20% ki garna mein lena hai, nahi lena, 100% lena hai. Theek hai? So it is very clear that how this 20% criteria has to be applied. So this was in reference to section 2 clause 15. Ye do cheeze sir aapko dhyan rakhte hue chalna hai. Main sir next amendment par chal raha hu. Next amendment, which is also an important amendment, is section 2 clause 24, clause 18 insertion. Clause 18 has been newly inserted into section 2 clause 18. Again, what was the point which was happening into section 2 clause 24, which is now removed of clarity provided through clause 18? Let us assume that when you set up certain industry, or when you operate certain industry, you become entitled to get various kind of government grants, subsidies, drawback, benefits, concession in the costing, etc. So when all these things keep on happening, then the grant which is received is, as per our accounting policy also, to be bifurcated into a revenue nature grant and a capital nature grant. Revenue nature grant, we all know, is taxable as per the provision of normal taxation of PGBP covered under section 28, but there has been debate on the taxation of the capital nature grants. And these capital nature grants could be of two types: one, which are related to the cost of project, and second, which are not related to the cost of project and hence otherwise received. So when the project related cost related grant is received, undoubtedly explanation 10 to section 43 subsection 1 says that we have to reduce it from the cost for the purpose of computing further depreciation on such asset. However, certain grants which are received, which are capital in nature, may not have a direct correlation to the project cost, and therefore those kind of amounts being capital receipt, unless made specifically exempt, goes untaxed, which the government didn't want to do. Isme case view as a Reliance Industries Limited ka Bombay High Court ka. लेट्स से महाराष्ट्र के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक स्पेसिफिक बैकवर्ड एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए 10 करोड़ रुपए की एडहॉक ग्रांट दे दी गई कि सब आप तो बैकवर्ड एरिया में आकर के अपना एक इंडस्ट्री लगा दीजिए, तो क्या होगा, इस एरिया के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, आपकी इंडस्ट्री में कम से कम 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो मिनिमम 5000 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हम आपको 10 करोड़ रुपए लमसम दे रहे हैं. Now this 10 crore does not have correlation to the project. It has a purpose of creation of the employment. So Reliance Industries Limited claimed that this amount is exempt for us. And yes, it was treated to be exempt as per Mumbai High Court even. But later the government found that these kind of receipts should somewhere either be reduced from the cost, or if not reduced from the cost, should be taxed. And therefore clause 18 specifically says now that such kind of grant, if received and not reduced from the cost, would now be chargeable as income under the provision of section 2 clause 24. Important query from exam point of view. I read it, clause 18. Assistance in the form of a subsidy. Assistance in the form of a subsidy or grant or cash incentive or duty drawback or waiver or concession or reimbursement by whatever name called by the central government or the state government or any authority or body or agency in cash or kind to the assessee, other than the subsidy or grant or reimbursement which is taken into account for determination of actual cost of the asset in accordance with provisions of explanation 10 to clause 1 of section 43. Bola wo chhod dijiye sahab jo 43 ke clause 1 ke explanation 10 mein aa jati hai, kyunki uska to specific treatment already tha, usko to sarkar ab dobara cover karegi nahi. But what was not specifically treated is now covered here. Ab zara iska example dekhiye. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इन महिंद्रा सेज जयपुर द गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ टाई अप विद महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड वेयर इन इट हैज बीन सेड कि वी आर प्रोवाइडिंग यू सम 500 बीगाज ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड फॉर दिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 400 बीगा लैंड शेल बी प्रोवाइडेड टू यू एट द रेट ₹50 लाख पर बीगा
एंड द रिमेनिंग 10 बीगा लैंड विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट निल कॉस्ट, विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट निल कॉस्ट, एंड दिस पर्टिकुलर लैंड विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट निल कॉस्ट, बट यू विल बी एबल टू सेल इट आफ्टर डेवलपिंग दिस 400 बीगाज ऑफ लैंड. सो यू डेवलप दिस एंड वी कीप एन इंसेंटिव ऑफ 100 बीगा टू यू. वंस यू डेवलप इट, देन यू विल सी दैट दिस पर्टिकुलर एरिया मे हैव अ प्राइसिंग ऑफ लेट्स से 500 लाख पर बीगा. Now, this particular kind of policy is prompting the company to reap out the benefit of appreciation by way of developing this area. So, what do? On the first day, they get the complete 500 biga, but they do not get the selling rights of this 500 biga. And they get the selling right of 400 biga only. They will be able to sell the remaining 100 biga only after the completion of their complete project into this area. And when it will be fully operational, let's say government has given them a period of 10 years. After 10 years, when you will complete this particular project in this area, we will give you additional land in this format. So, in the mind of the industrialist, the point is what? To get this 100 biga at free of cost. Now, this kind of land which this person is going to get is because of the development in this area. Now, is it a cash or is it a kind? This is a kind benefit. Can it be covered into section 2, clause 24, sub clause 18? The law has been very specific that this is even the kind related thing is covered. But in my opinion, the day on which they will become entitled, on that day the taxation should come. The day on which they become entitled. Now, if it is like that, on the first day they have got 500 biga, then day one the taxation would happen. Or if it is like that, first they have to develop 400 biga and then they will get the entitlement for this 100 biga, then it will be on the day on which they will receive such particular land. So, this kind of proposition can also be thought about. Take another example. Let's say you have obtained, your industry has obtained some 10 crore rupees term loan from Bank of India. And later on, due to some reasons, the project could not go well. And the final amount which has been settled with the bank was for 10 crore. The total amount payable was 18 crore, you become Vijay Mallya, and then what happened, that is a very meager amount as compared to what Vijay Mallya has done, but let's say you have also tried to play your luck and you have got succeeded. So, aapne 10 ke 18 crore rupay bana liye, theek hai, ye outstanding ho gaye. Ab 10 ke 18 crore rupay outstanding ho gaye, to then in that case, you have surrender ke saab, main to Diwali hone ja raha hu, I am going to get insolvent, aapko recover karna hai, to jaldi karo. So, the bank has said ke, okay, let's finally settle for 7 crore. Now, you have settled for 7 crore rupees. If you have settled for 7 crore rupees, you are not going to pay this 8 crore because this is interest, and you are also not going to pay principal amount of rupees 3 crore. Now, the question comes whether the 8 crore which has been saved by the assessee is going to be taxable as section 28 or is it section 2 clause 24, clause 19, clause 18. It is section 28. How many of you say? No, sir. It is section 41(1). How many of you agree it is section 41(1)? And third one, it is section 2 clause 24 clause 18. How many of you agree on that one? So, there could be three kind of interpretation which I am trying to show here. Now, understand, this 8 crore which has been waived is waived as interest. If the deduction for this interest has already been permitted to the assessee, and its waiver subsequently happened, it is undoubtedly section 41 subsection 1. But since section 43B clearly provides that interest payable to the banking institution would not be permissible unless it has been actually paid. So, in past you have not claimed this 8 crore even if you might have booked it in your books. So, when it is waived off, there is no section 41 subsection 1 coming into play in respect of this 8 crore, undoubtedly matter is very clear. Now comes the point on this 3 crore rupees which have been settled in the loan. This 3 crore is section 28. How many of you agree? It is section 41(1). How many of you agree? And it is section 2 clause 24 clause 18. So, the point is what, sir? Can such kind of amount be treated to be 2 clause 24 clause 18 or not? This is important from exam point of view. I read it once again, sir. Assistance. Pehli baat, sir. Kya word use kya? Assistance. Kya ye koi sahayata aa rahi hai kya, sir? सहायता तो नहीं है सर, लोन दिया था, लोन देते समय तो लेने की मंशा थी. असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी और ग्रांट और कैश इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक और वेवर और कंसेशन. अब सर क्या आ गया? वेवर आ गया. वेवर इज अ बिगर टर्म. वेवर
or concession or reimbursement by whatever name called by the central government, state government, any authority, body or agency. अब क्या क्या ले लिया सर इन्होंने? Authority, body or agency. Whether banking company is an authority, is it a body, is it an agency? Now body means what? We have to apply here the concept of adjustum generis, and which says succeeding word take their color from the preceding word, and the preceding word are in the nature of central government, state government, authority, body, agency. Okay, so these are basically local bodies kind of institution which support you, and later you could not recover. A bank never supports in a local body format, it supports in a commercial format, and therefore when the waiver takes place, still the scope of section 2 clause 24 clause 18 has not reached to this level, has not reached to this level. So again sir, this is not going to be taxable. An interesting debate has been there on in respect of the LPG subsidy which the people are receiving, whether LPG subsidy is in the nature of section 2 clause 24 clause 18 or not. Answer is yes, 100% yes. But the government has specifically came out with a CBDT press note wherein it has been said, no, we are not going to tax this kind of subsidy, but otherwise it is 224 clause 18. Now since the government through a press note has clarified, CBDT has clarified that we are not going to tax this, hence this particular amount is not taxable. Even sir, scholarships or any kind of a stipend received are even not covered today into section 2 clause 24 clause 19. Don't worry about your articleship stipend. Now that must have ended till now, and if not ended, you must have not received. This is my understanding. Now I move to my next provision, which is section 6 subsection 3, which is section 6 subsection 3. Sir, this is an important amendment, but I doubt that any question in relation to this may be asked from you in the examination. Why it is so? Ek bar sir aiyega section 6 subsection 3 par. Section 6 is the residential status. We all know that it gives us the criteria for determination of residential status. In relation to the residential status determination of a company, the provisions of section 6 subsection 3 apply. How does it read? Suniyega sir, 6 subsection 3. मैं इसमें क्या कर रहा हूं सर? पुराना जो लिखा था 6 सबसेक्शन 3 वो पढ़ रहा हूं और नया जो लिखा वो पढ़ रहा हूं. आप दोनों के अंदर डिफरेंस समझने का कोशिश करिएगा. 6 सबसेक्शन 3 अर्लियर टर्म सेज अ कंपनी इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी और ड्यूरिंग दैट ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन इंडिया. क्या टर्म आई सर? होली इन इंडिया. So now, no doubt about an Indian company, because it is moment registered in India, it is a resident. चाहे उसका सर सारा बिजनेस इंडिया से बाहर क्यों ना चलता हो, क्योंकि it is registered in India, hence it is resident and global income would be taxable. But what about a foreign company to be subjected to resident? There would come a situation that whether its management control was wholly situated in India or not. And moment I established that no sir, it was not wholly established, it was just partly established. कि हमारा board of director ने इस बार क्या किया सर? एक meeting यहाँ पर कर लिया था India में. तो क्या एक meeting कर लेना और board of director की total साल में सर 10 meeting हुई थी और उनमें से एक meeting India में हो गई, तो क्या एक meeting हो जाने से India के अंदर control and management establish होता है क्या? By default answer is no. पर वो एक meeting इतनी significant थी कि उसी में सारे policy decision ले लिए गए, तो समझिए. सो दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट, दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट. एंड सर, ओईसीडी गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट गाइडलाइंस आर प्रिवेलिंग डे टू डे ऑल अक्रॉस द ग्लोब ऑन ऑल द कंट्रीज हु आर द मेंबर ऑफ ओईसीडी, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नाउ टेंडिंग टू फॉलो दोज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विच आर डेवलप्ड इन टू ओईसीडी गाइडलाइंस. एंड देयर केम अ कॉन्सेप्ट इन टू ओईसीडी गाइडलाइंस विच इज कॉल्ड POEM, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. And this place of effective management concept, which is developed by the OECD guidelines, by the discussion amongst the different countries which are the participant of it, it has been said that do not see the registration only,
do not see the whole management control, you just see whether place of effective management was in India or not. Key management or key persons or key decisions were there in India or not. So a new concept of POEM, which has been adopted by the government, is introduced into the Finance Act 2015, and the same is then imbibed into Section 6, Subsection 3 of the Income Tax Act 1961. I read it, sir. Suniyega, ab kya gaya? A company is said to be resident in India in any previous year if it is an Indian company or its place of effective management in that year is in India. Ab kya kar diya, sir? The place of effective management. Whole management bhi nahi bola, sir. Kya bola? Effective management. Now, let's assume that all the persons are based outside India, but the meetings are taken on web, and this web conference is arranged from India. Web conference is arranged from India, and five of the board of directors, out of which one is sitting in India, and four are sitting outside India. And a web conference takes place. We all know that now company law provides for the same. In that web conference, it has been decided that certain policy making has happened and the company would go according to that policy. But the company is a foreign company. Now, if we say whole, then in the earlier perspective, the whole of the management control could not be established in India. But if we now say effective management, then due to this effective management kind of situation, it may be said that since the meeting was managed from India, then the effective place was from India only, and hence the taxation could take place. An important amendment, but not relevant from current coming May 2016 attempt point of view. Why do I say so? Government ne, sir, is budget se, Finance Bill 2016 se, ye bol diya hai, ki humne 6 subsection 3 mein jo changes kiye hain, usko humne ek year postponed kar diya hai. Aap log bach gaye. ठीक है, क्या हुआ कि एक साल सरकार ने उसको, पर कब तक बचेंगे? वी हैव टू फेस इट, सर. अच्छा, आप आगे की सोच रहे हो, मैं इतनी आगे नहीं गया, सर. मैं इतनी आगे नहीं गया, मैं तो कह रहा हूं सीए बनने के बाद. पर आप क्या अपने आप को पहले मानते हो? नहीं नहीं सर, अभी और अटेम्प्ट है. प्लीज डोंट ट्रीट इन दैट मैन. ठीक है, चलिए. 6 सबसेक्शन 3 पर सर इंपॉर्टेंस होते हुए भी, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं ले रहा अभी इसकी, क्योंकि सर इस पर गवर्नमेंट ने अभी बजट में क्लैरिटी ये दे दी कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज डेफर्ड फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी इन द असेसमेंट ईयर 16-17. इसका सर 17-18 से वो ऑपरेशन देंगे, इसलिए इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन अब नहीं करता. मैं अब चलता हूं सर सेक्शन 9 पर. आइएगा 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1. बहुत ध्यान से समझना सर, ये टेक्निकल इशू है. 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 इज अ टेक्निकल इशू, क्योंकि सर अपने आप में ये एक ऐसी बात को लेकर के चलता है सेक्शन 9, जो हमारे को हमेशा कंफ्यूज रखती है. व्हाट इज ट्रीटेड टू बी इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. डीम्ड टू एक्रू और अराइज, ठीक है. सो द टर्म इज, ये डीम्ड टू क्या होता है सर? डीम्ड टू का मतलब फिक्शन होता है. व्हाट हैज बीन रिटन इनटू सेक्शन 9, इवन इफ इट इज एक्रूड आउटसाइड इंडिया, इवन इफ इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इट विल बी सेड टू बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. अब सर इसमें जो अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट क्या है उसको समझने का कोशिश करिएगा. द अमेंडमेंट कम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वोडाफोन केस. ये वोडाफोन केस सर धूम मचाए हुए है, ठीक है, ठीक है. विदाउट एनी बाइक दिस केस इज गोइंग वेल, बट यू नो दैट इवन दिस अमेंडमेंट हैज द इंपैक्ट ऑफ वोडाफोन केस. गवर्नमेंट ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की स्कीम लेकर के आई है, उसमें कह रही है साहब आप पेनल्टी का 25% दे दो या केवल टैक्स दे दो, ऐसा करके कुछ बनाने की बात कर रहे हैं. अब वोडाफोन केस आप सब लोगों को पता है सर कि वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग नीदरलैंड बेस्ड कंपनी, एक कंपनी सर हमारे पास में थी हचिसन इंटरनेशनल, एक कंपनी थी सर हमारे पास में सीजीपी इन्वेस्टमेंट, और सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रही थी सर एसआर इंडिया लिमिटेड के या हचिसन एसआर इंडिया लिमिटेड के अंदर. और क्या हुआ, आउट ऑफ इंडिया बिटवीन वोडाफोन इंटरनेशनल एंड हचिसन द शेयर्स ऑफ सीजीपी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड. And this particular asset which was transferred was not based in India, and the transaction also took place outside India. Since the transaction took place outside India and the asset was also not located in India, hence no taxation in the opinion of the relevant assessee was there, and even to this extent that Supreme Court has approved the same. But in Finance Act 2012, the government has come up with a retrospective amendment effective 1962-1963 saying that no, we want to tax it. Okay. But it does not mean that government was wrong. Maybe government is perfectly right, because
this particular share was not having any value without it. And therefore, the government said that whatever value this share is obtaining, this is substantially obtaining from this only. Now, a disputed terminology came, what is substantial? How do you say that this particular share is substantially taking its value from this asset, which is an India-based asset? So, this substantial term needed a definition, that how do you determine that substantiality is involved? Now, this involvement of substantiality, which according to the various proposition, isme koi Delhi High Court ke andar bhi sir ek case law hua tha, I'm not getting the name right now. In that particular case also, the substantial term was into decision, and the High Court has said ke sab substantial means majority, substantial means ke if there is a significant involvement of the value, if there is a kind of importance of that value in determining the value of this kind of share. So, there came a need of definition of substantial, and this has been then inserted after explanation 5 to section 9, subsection 1, clause 1. 911 ke andar explanation 5 to sir finance act 2012 sir retrospective aa gaya, aur uske baad mein ek explanation 6 aur lekar ke aaya. Zara explanation 6 par aaiyega sir mere saath mein, suniyega. 916. For the purposes of this clause, before I read explanation 6, I first read explanation 5. Background explanation 5 se aa raha hai CA sahab. For the removal of doubts, it is hereby clarified that an asset or a capital asset, being any share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India, shall be deemed to be and shall always be deemed to have been situated in India if the share or interest derives directly or indirectly its value substantially from asset located in India. Ye ho gaya sir apna explanation 5 jo pehle aaya tha, ye naya nahi aaya, ye pehle aa gaya finance act 2012 se. Ab zara aage dekhiyega explanation 6, ye CA sahab ne aaya, ye kya keh raha hai? For the purposes of this clause, it is hereby declared. Kya declare kiya sir inhone? Share or interest referred to in explanation 5 shall be deemed to derive its value substantially from asset, whether tangible or intangible, located in India, if on the specified date the value of such asset exceed the amount of rupees 10 crore rupees, amount of 10 crore rupees, and represents at least 50% of value of all assets owned by the company or entity, as the case may be. Ab main isko exemplify karta hu sir, aap uske sath sath samajhiyega. Sir, no discussion, ye meri नोट्स में नहीं है सर, आपके हाथ में एक्ट होना चाहिए. कोई बात नहीं, बोले आप कह सकते हो सर आपने चीटिंग कर दी. ठीक है, आई एम रियली सॉरी, दिस टाइम माय नोट्स आर नॉट टू दैट एक्सटेंट परफेक्ट, बिकॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कुड नॉट डू टू मच ऑफ हार्ड वर्क ऑन देम. इसलिए सर मैंने जो मेन मेन चीजें थी मेरे ओपिनियन में वो लिखी है, लेकिन जो मेरे को समझानी है क्लास में वो मैं आपको पहुंचा रहा हूं. बात समझिएगा, लेट्स अज्यूम देयर इज अ कंपनी A, there is a company B, there is a company C, there is a company D. This is based in India, and these three are all other countries. Let's say country name is P, Q, and R. बहुत ध्यान से समझना सर, इसके फार रीचिंग इंपैक्ट है और इस पर क्या क्या अमेंडमेंट आए हुए हैं, मैं उन सबको एक साथ समेटने का कोशिश करूंगा, और आपसे उनमें से क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हम थोड़ा सा यहां पर टारगेट करते हैं. लेट्स अज्यूम ये कंपनी के सर 15% शेयर होल्डिंग बी ए को बेच रही है. बी इज सेलिंग टू ए 15% शेयर होल्डिंग विच इट हैज हेल्ड इन सी. लेट्स से सी जो कंपनी है सर, इसकी शेयर्स, इसकी जो वैल्यू है एसेट्स की, वो है 200 करोड़ रुपए. 200 करोड़ रुपए इसके पास में टोटल एसेट्स हैं. इस 200 करोड़ रुपए में से सर 120 करोड़ रुपए डी के शेयर है, और सर 80 करोड़ अदर एसेट्स हैं. फिर सुन लीजिए, आई एम सेइंग बी हैज ट्रांसफर्ड 15% ऑफ द शेयर्स ऑफ सी टू ए, एंड दिस सी इज होल्डिंग इक्विटी इन डी, एंड दिस पर्टिकुलर इक्विटी हेल्ड बाय सी इन डी, आउट ऑफ द 200 करोड़ रुपीज टोटल एसेट्स, 120 करोड़ रुपीज इज एट्रीब्यूटेबल टू द शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी डी ओनली, एंड द रिमेनिंग 80 करोड़ रुपीज आर द अदर एसेट्स. Now, what is going to happen, sir, when this particular share, let's say in INR term,
of rupees 250 held by it is sold to A for rupees 450, then what will happen? This 200 rupees would be in dispute. ठीक है, के बी ने सी में 250 रुपीज का कोई शेयर खरीद रखा था INR टर्म्स में, एंड देन इट हैज फाइनली सोल्ड इट टू ए फॉर रुपीज 450. सो द पॉइंट इज व्हाट सर, दिस 450 माइनस 250, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 200 इज गोइंग टू बी टैक्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन 5. बट एक्सप्लेनेशन 5 हैज नॉट स्पेसिफिकली क्लियर्ड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सब्सटेंशियली, एंड नाउ दिस सब्सटेंशियली इज डिफाइंड. इस सब्सटेंशियली में क्या बोला सर, इंडियन एसेट की जो शेयर्स की जो वैल्यू है या एसेट्स की जो वैल्यू है वो 10 करोड़ से ज्यादा हो, वो सेटिस्फाई हो रही है. और दूसरी बात कि इंडियन एसेट जो है वो मोर देन 50% ऑफ द स्पेसिफाइड डेट की वैल्यू पर ज्यादा हो रहे हैं. तो स्पेसिफाइड डेट क्या है सर, इस पर मैं अभी आगे आता हूं, लेकिन अभी के लिए सर अगर स्पेसिफाइड डेट पर इंडियन एसेट्स की वैल्यू 120 करोड़ रुपए है जो 50% से ज्यादा है, सर ये ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल हो जाए, ये ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन अगर मैं ये बोलता कि इंडियन शेयर की वैल्यू तो है 80 करोड़, ठीक है, और अदर एसेट्स की वैल्यू है सर 120 करोड़ रुपए, तो मेरी एक शर्त 10 करोड़ वाली तो सेटिस्फाई हो रही है, परंतु सीए साहब 50% से ज्यादा वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो देन इन दैट केस वेदर द टैक्सेशन वुड कम इन इंडिया और नॉट, आंसर इज नो. ये चीज पहले नहीं थी, तो पहले ये वो क्या करता सर, इस 80 वाले ट्रांजेक्शन पर भी जंप कर सकता था. अब जो आया है इससे कुछ फायदा है सर, नुकसान है, इससे क्लैरिटी है. ये क्लैरिटी से फायदा भी हो सकता है, नुकसान तो पहले से ही हो रहा था, नुकसान तो पहले से ही एक्सप्लेनेशन 5 ने तो कबाड़ा किया ही था, लेकिन नाउ देयर कुड बी अ सेविंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोपोजिशन. फिर सुनिएगा सर, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द शेयर और इंटरेस्ट रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन 5 शैल बी डीम्ड टू डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट whether tangible or intangible located in India, if on the specified date value of such asset exceeds the amount of 10 crore rupees, such asset ka matlab kaun si hai sir, Indian asset, and represents at least 50% of the value of all the assets owned by the company or entity as the case may be. Aage suniyega sir, the fair market value of assets shall be the fair market value as on the specified date of such asset without reduction of liabilities if any in respect of the asset डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. फेयर मार्केट वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे, सरकार प्रिस्क्राइब करेगी, अभी तक क्लैरिटी इस पर नहीं आई है. मैं आगे चलता हूं सर, ये स्पेसिफाइड डेट टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा. स्पेसिफाइड डेट मीन्स डेट ऑन विच अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी और एज द केस मे बी द एंटिटी एंड्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द शेयर और द इंटरेस्ट, और द डेट ऑफ ट्रांसफर इफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स of the company or as the case may be entity on the date of transfer exceeds the book value of asset as on the date referred to in subsection 1 by 15%. ye aa gaya sir mamla technical. ab fir suniyega kya karna chahta hu main. let's assume the transaction actually took place on 30th of april 2015. ye transaction ye sab ho gaya 30 april 2015 ko. okay, is transaction ki date par jo values thi asset ki और इससे पहले जो ये सी कंपनी है जिसके लिए हम देख रहे हैं, इसकी क्लोजिंग हुई थी लास्ट 31 दिसंबर 2014, क्योंकि दे आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर एज द फाइनेंशियल ईयर. तो ये सर जब कैलेंडर ईयर एज फाइनेंशियल ईयर ले रहे थे तो इंडियन एसेट एंड आउट ऑफ इंडिया एसेट का बाइफर्केशन, और सीए साहब यहां पर इंडियन एसेट और आउट ऑफ इंडिया एसेट का बाइफर्केशन, ये आपको मैं दे रहा हूं दो डेट्स पर. द डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन बी एंड ए ऑफ सी. सर ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं डी का, लेकिन डी का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा पर सी के पास में कुछ वैल्यू बन रही है. किसकी वजह से? डी की वजह से बन रही. बार बार फोकस किस पर है कि सर डी के कारण से वैल्यू बन रही. अब लेट्स एज्यूम ऑन 30th of April 2015 जो इंडियन एसेट है सर, इनकी वैल्यू है लेट्स से अपने पास में 95, और आउट ऑफ इंडिया एसेट जो है सर इनकी वैल्यू है लेट्स से 105. ओके, टोटल बिकम 200. अब आइए दूसरा, जो 31 दिसंबर 2014 था सर, उस दिन इंडियन एसेट की वैल्यू थी 120 और इसकी वैल्यू थी सर 80. अब अगला क्वेश्चन आपके पास में आ गया, समझ गए आप एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्पेसिफाइड डेट है, 31 दिसंबर 2014 30 अप्रैल 2015. सर जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है उस दिन तो इंडियन एसेट 50% से कम रह गई,
और जिस दिन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा उस दिन ट्रांजेक्शन के डेट पर अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो एसेट्स मोर देन 50% है। क्या बोलते हैं सर, ये ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? यस इट विल बी टैक्सेबल, कितने लोग मानते हैं? इट विल नॉट, कितने लोग बोलते हैं सर? पढ़ते हैं सर, फिर सुनिएगा, ये स्पेसिफाइड डेट रिलेवेंट है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने क्या बोला, मैं एक बार क्लॉज ये दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए सर, ये लेवल है कि इतने लेवल तक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये बोलता है शेयर और इंटरेस्ट रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 5 शेल बी डीम टू डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया इफ ऑन द स्पेसिफाइड डेट वैल्यू ऑफ सच एसेट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 10 crore rupees। तो ये तो हो रही है सर। दूसरा, represents at least 50% of the value of all assets owned by the company or entity as the case may be। अब 50 इधर देखता हूं तो नहीं है, इधर देखता हूं तो है, यानी अब मुझे किसको रेफर करना है सर? स्पेसिफाइड डेट। आइएगा सर, स्पेसिफाइड डेट मींस द डेट ऑन विच अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी और एज द केस मे बी द एंटिटी एंड्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर और इंटरेस्ट। आपने जिस दिन ट्रांसफर किया उससे प्रीसीडिंग डेट पर जो अकाउंटिंग डेट एंड हुआ है, अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है, उस दिन की वैल्यू लें। सर उसमें तो एक्सीड कर रही है। हाँ नहीं नहीं मैं कम, व्हाट ही इज सेइंग इज राइट के सर इसको भी देख लें क्या जरा अपन, कि आप 31 दिसंबर देख रहे हो लेकिन आपने हमारे को 31 मार्च की क्लोजिंग के फिगर नहीं दिए, एम आई राइट? किस दिन सर ये दिया ना मैंने? 30 अप्रैल को दिया मैंने कि 30 अप्रैल को ये ट्रांसफर एक्चुअली हो रहा है, ठीक है? तो 30 अप्रैल को ट्रांसफर हो रहा है, उस दिन वैल्यू क्या है बेटा? 95 और 105। और अगर पीछे देख रहा हूं, जो किसकी डेट देख रहे हैं सर? ये स्पेसिफाइड डेट उस कंपनी की जिसके शेयर ट्रांजेक्ट हो रहे हैं, और उसके शेयर जिस दिन ट्रांजेक्ट हो रहे हैं उसका अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हुआ? उसका अकाउंटिंग पीरियड तो एंड हो गया 31 दिसंबर 2014 को। तो उस दिन पर देखता हूं तो सर ये 120 और 80 है, और एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट पर देख रहा हूं तो 50% से कम हो गया। प्राइम ऑफिसाई कौन सी वैल्यू लग गई सर? ये 120। एंड हेंस दिस ट्रांजेक्शन इज टैक्सेबल इन इंडिया, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू लर्न। लेकिन सर अभी मामला पूरा नहीं हुआ, जरा आगे सुनिए। अब आगे ये कह रहा है नहीं सर डेट ऑफ ट्रांसफर ले लेंगे। अब इसको ध्यान से समझना, ये डेट ऑफ ट्रांसफर कब ले लेंगे? ये कह रहा है डेट ऑफ ट्रांसफर इफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी और एज द केस में बी एंटिटी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एक्सीड्स द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन द डेट रेफर टू इन सब क्लॉज 5 बाय 15%। अब ये क्या बोल रहा है सर, यदि आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर पर जो वैल्यू आ रही है वो 15% से ज्यादा की है। अब मैंने तो क्या किया सर, मेरे एग्जाम्पल में तो मैंने बिल्कुल सेम सिंपल केस रख दिया जी। यहां पर ये वैल्यूएशन थी, यहां पर ये वैल्यूएशन, परंतु टोटल वैल्यूएशन कितनी है सर? 200 है। अब मैं इसको चेंज करता हूं सर, लेट्स अज्यूम हियर। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, आप पिछला एग्जाम्पल को अब इग्नोर करिए, अब मैं नया एग्जाम्पल दे रहा हूं। डेट ऑफ ट्रांसफर वही है, अकाउंटिंग पीरियड का एंड वही है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हियर लेट्स अज्यूम इट वॉज 150 एंड हियर इट वॉज 100। अगर मैं आपको इस दिन के लिए कोई डेटा नहीं दूंगा तो क्या आप बाय डिफॉल्ट सी के शेयर के ट्रांसफर को इंडिया में टैक्सेबल करेंगे सीए साहब या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है करेंगे। यानी आप कौन सी वैल्यू ले लेंगे सर, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब जरा इधर आइए सर, कि हुआ क्या सर, ये वैल्यूज थी 250 और बाद में सीए साहब जो वैल्यू बन गई वो ऐसी बन गई सर कि लेट्स अज्यूम दिस इज 140 एंड दिस इज 160। This is 140 and this is 160. ये मेरा पहला प्रपोजिशन है सर, प्रपोजिशन वन। दूसरा प्रपोजिशन सुनिए सर, दिस इज 200 एंड दिस इज 100। अब क्या फर्क पड़ता है जरा समझने का कोशिश करिएगा। इफ दिस हैज केम डाउन टू 140 एंड 160 सर, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 300। अब अगर अकाउंटिंग डेट जो हुई थी लास्ट वो स्पेसिफाइड डेट बाय डिफॉल्ट बनती है, लेकिन अगर मेरी डेट ऑफ ट्रांसफर पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो 15% से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है सर? 15। कौन सी वैल्यू से? इसके 15% से ज्यादा। इस दिन वैल्यू कितनी थी सर? 250। अब 250 का 15% कितना हो गया सर हमारे पास में? कितना? 37.5। अब 37.5 प्लस 250 टोटल कितना हो गया? 287.5। ये वैल्यू कितनी चली गई? 300। अब मेरे को कौन सी वैल्यू लेनी है सर स्पेसिफाइड डेट की?
अब सीए साहब आप स्पेसिफाइड डेट पर वैल्यू ले रहे हो तो ये तो 50 से कम बैठ गया। क्या ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल है? कितने लोग बोलते हैं? नहीं है कितने लोग बोलते हैं? नाउ इट विल नॉट बी टैक्सेबल। खेल देखिए आप क्या चल रहा है, ठीक है? कुछ नहीं है, एक टेक्निकलिटी है। और आप सीए हैं सर, आपको समझना पड़ेगा। यू कांट गेट रिड ऑफ इट के नहीं मैं क्या करता हूं, छोड़ देता हूं, इस बार नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आ ही रहा हूं अगले अटेम्प्ट में, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड सर, मैं आपको डे वन से कहता हूं सर, टेक्निकलिटी में आपको साउंड रहना पड़ेगा। यू आर अ टेक्निकल पर्सन एंड इफ यू विल नॉट, हु एल्स इज सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग देयर? सो द पॉइंट इज व्हाट सर, यहां आकर के अगर मैंने देखा पहली बार मुझे स्पेसिफाइड डेट पर वेरिएशन करते ही 160-140 मिल गया और इंडियन एसेट 140 है जो 50% भी नहीं रही, तो देन इन दैट केस मुझे अब ये मामला ड्रॉप कर देना है। लेकिन सर अगर ये 200 और 100 होता तो हमें वैल्यू तो लेता 300, और ये क्योंकि 200 जा रही है मोर देन 50%, तो फिर देन इन दैट केस किसके हिसाब से कैपिटल गेन डिटरमाइन होगा? इस डेट के हिसाब से कैपिटल गेन डिटरमाइन होगा। और समझिए सर, मान लीजिए इफ इट वुड हैव बीन 250 यहां पर था सर, और मैं इसके बाद में अब आपके सामने प्रपोजिशन ये दे रहा हूं सर कि लेट से दिस हैज गॉन अप टू 280 एंड आउट ऑफ दिस 280 द प्रपोजिशन इज सर कि 280 में से 160 ये और 120 ये, 160 ये है सर इंडियन एसेट की वैल्यू और 120 आउट ऑफ इंडिया एसेट्स की वैल्यू है। बोलिए सर ये ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा कितने लोग बोले? होगा कितने लोग बोलते हैं? होगा क्यों नहीं? क्योंकि अब जरा समझिएगा सर, जरा समझिए, आराम से ठीक है। देखो ताकत आती है तो वो तो फड़कती है फिर बाजू, तो ठीक है। द पॉइंट इज व्हाट सर, हियर इट वॉज 250 एंड हियर इट हैज गॉन अप टू द लेवल ऑफ 280। अभी हमने क्या बोला सर, हम कितना जोड़ देंगे उसके अंदर जाकर के? 15% जोड़ा तो कितना आया, ठीक है, 287। अब 287 पर आप जब पहुंचे तो ये तो बैठा था सर 280, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल हुआ है नहीं हुआ, मेरा ये क्वेश्चन था। ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल है पर वैल्यू कौन सी डेट की जाएगी, ये समझाना था मेरे को। आप समझ रहे हैं सर कि दो चीजें मिक्स करनी है आपको, एक सब्सटेंशियलिटी डिटरमाइन करना और उससे भी बड़ी चीज ये डिटरमाइन करना कि सब्सटेंशियलिटी कौन सी डेट पर डिटरमाइन होगी। सब्सटेंशियलिटी कौन सी डेट पर जाकर के सीए साहब डिटरमाइन होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरा एक काम और करिए सर, आगे अकाउंटिंग पीरियड पर आते हैं, सुनिएगा अकाउंटिंग पीरियड कैसे डिफाइन किया। अकाउंटिंग पीरियड मींस ईच पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च। सो नाउ व्हाट यू आर सेइंग सर, मैं 31 मार्च की भी तो वैल्यू निकाल सकता हूं, यस योर अकाउंटिंग सिस्टम में गिव मी, ठीक है। इनका क्वेश्चन वो नहीं था पर मैं एक बार एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो कोई मेरे को कह दे कि नहीं सर 31 मार्च की वैल्यू ले लें तो हम तो निकाल सकते हैं टैली में, तो ये किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मैं पर डे वैल्यू ला सकता हूं। ये क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट वी आर अ कंपनी और एंटिटी, यहां मैं बात कर रहा हूं सर सी की, वी आर अ कंपनी और एंटिटी रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 5 रेगुलरली अडॉप्ट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन अ डे अदर देन 31st डे ऑफ मार्च फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ टैक्स लॉज ऑफ द टेरिटरी ऑफ विच इट इज अ रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पजेस और रिपोर्टिंग टू पर्सन होल्डिंग द शेयर और इंटरेस्ट देन द पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग विथ द अदर डे शेल बी द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी एज द केस में बी द एंटिटी। तो सर यू नीड नॉट टू कम बैक टू 31st ऑफ मार्च अकाउंट्स, इफ इट इज अवेलेबल 31st ऑफ मार्च यूज 31st ऑफ मार्च डेटा, बट इफ 31st ऑफ मार्च डेटा इज नॉट अवेलेबल देन इन दैट केस लीव इट वॉट एवर वॉज द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ दैट एंटिटी हूज शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। माइंड यू सर मैं फोकस बार बार किस पर कर रहा हूं अपने एग्जाम्पल में, हूज शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। और सुनिए सर, मैं टर्मिनोलॉजी शेयर जरूर बोल रहा हूं लेकिन जरूरी नहीं है सर शेयर हो सकता है इस कंपनी के पास इंडिया में माइनिंग राइट्स हो सकता है इस कंपनी के पास में सर इंडिया में माइनिंग राइट्स हो और वो इंडियन माइनिंग राइट्स की वैल्यू सब्सटेंशियल हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी सर बी और ए के बीच में अगर इनके ट्रांजेक्शन हो जाएंगे शेयर्स के तो फिर वो ट्रांजेक्शन इंडिया में प्राइमा फेसाई टैक्सेबल होगा। दो चीजें आपको टेक्निकलिटी से समझनी थी सर, एक तो आपको समझना है स्पेसिफाइड डेट और दूसरा सर आपको समझना है व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सब्सटेंशियलिटी। और सब्सटेंशियलिटी आने के लिए सर दो चीजें चाहिए, एक वो पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और दूसरा सर कम से कम 50% इंटरेस्ट अथवा इक्विटी होल्ड होना चाहिए। इतना लेवल सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपसे आ सकता है।
आप इस पर तैयार रहिएगा। मैं इससे आगे चलता हूं सर, सेक्शन 9 इसका एक्सप्लेनेशन 7 छोड़ दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो डिस्कशन रिक्वायर्ड। आई मूव इनटू 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, सुनिएगा सर, 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सर। हालांकि इस विषय पर सर आप लोग भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में देखें तो शायद अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जरा मेरी बात को समझिएगा सर। लेट्स अज्यूम सिटी बैंक हैज ऑपरेशंस इन एंड आउट ऑफ इंडिया। सिटी बैंक के पास सर इंडिया में भी ऑपरेशन है और इंडिया से बाहर भी ऑपरेशन। दिस ईयर सिटी बैंक हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹200 करोड़ फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस बेस्ड एट US। तो सिटी बैंक ने अपना हेड ऑफिस लेट्स से US में एस्टेब्लिश है, वहां से उन्होंने 200 करोड़ रुपए का INR टर्म्स में लोन लिया। अब ये 200 करोड़ रुपए पर सर इन्होंने लेट्स से 12.5% का ब्याज दिया INR टर्म्स में। मैं इसे सिंपल कर रहा हूं सर, वो उसे किसी इंटरनेशनल रेट LIBOR या किसी और के साथ लिंक करके मसाला बना करके इसे पेमेंट कर सकते हैं। अब ये जो 200 करोड़ रुपए सर सिटी बैंक की इंडियन ब्रांच ने दिया अपने HO को दिया, तो उन्होंने इस 200 करोड़ रुपए पर कोई TDS काटा ही नहीं, और उन्होंने क्या किया सर, ये 12.5% पर जो लेंडिंग ली उसको इंडिया में ऑन एन एवरेज 18% पर लेंडिंग करी, तो 18 - 12 CSF कितना परसेंट कमाया इन्होंने, 5.5%। ऑन दिस 5.5% दे विल रिपोर्ट देयर इंडियन इनकम, बट ऑन दिस 12.5% लेट्स अज्यूम सिटी बैंक US हैज अ कॉस्टिंग ऑफ जस्ट 2%, ऑन दिस 10.5% नो टैक्सेशन हैज टेकन प्लेस इन इंडिया, whereas the whole of money has been lent into India। अब इस मामले को तो सर हम ट्रांसफर प्राइसिंग से भी पकड़ सकते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या कहती है, the transaction has to be at arm length price, पर सर ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो गया, इंडियन ब्रांच और इंडियन ब्रांच का ओवरसीज HO। अब जब मैं ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ाता हूं तो आप लोगों को बोलता हूं सर इंडिया से बाहर ब्रांच और इंडिया का HO तो वन एंड द सेम पर्सन है, लेकिन इंडिया से बाहर HO और इंडिया की ब्रांच दो अलग अलग पर्सन है, ये बात हम कॉन्सेप्चुअली पहले से सीखे हुए हैं। अब द पॉइंट इज व्हाट सर, व्हेन दिस पर्टिकुलर कंपनी दैट इज सिटी बैंक इंडिया, दैट इज नॉट अ सेपरेट कंपनी, इट इज जस्ट सिटी बैंक द बैंक, दे ओपन अ ब्रांच, दे डू नॉट ओपन अ सब्सिडरी इन इंडिया। सो व्हेन दे हैव ओपन्ड अ ब्रांच इन इंडिया एंड दिस ब्रांच इज पेइंग ऑन दिस 200 करोर एट द रेट 12.5, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 सब क्लॉज ए ऑफ द एक्सप्लेनेशन दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट द टैक्सेशन वुड टेक प्लेस इन इंडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट विच हैज बीन पेड आउटसाइड इंडिया बाय द इंडियन ब्रांच टू इट्स हेड ऑफिस। नाउ दिस सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 द एक्सप्लेनेशन हैज अ स्पेसिफिक क्लॉज ए विच सेज कि इंडियन ब्रांच और उसका हेड ऑफिस दोनों अलग अलग पर्सन मान लिए जाएंगे। तो सर इस कारण से सिटी बैंक US पर इंडिया में टैक्सेशन आ जाएगा क्योंकि इट्स इनकम शेल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब जरा पढ़ते हैं सर, सुनिएगा आप मेरे साथ में, मैं मेन क्लॉज 5 को पढ़ते हुए एक्सप्लेनेशन पर आता हूं, ध्यान दीजिएगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट और अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट except where the interest is payable in respect of debt incurred or money borrowed and used for the purpose of business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India or a person who is a non-resident where the interest is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of business profession carried on by such person in India। सर ये अपने आप में जो क्लॉज सी है वो इतना बड़ा था कि इस तरीके के पेमेंट को कवर कर रहा था, बट सर्टेन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स वर देयर विच वर इन द फेवर ऑफ द असेसी टू काउंटर देम दिस एक्सप्लेनेशन क्लॉज ए इज देयर। नाउ आई रीड क्लॉज ए विच इज द अमेंडेड पोर्शन, इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट इन द केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट बींग अ पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। सर स्पेसिफिकली किस पर आ रही है बात, बैंकिंग पर। इन द केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट being a person engaged in the business of banking, any interest payable by the permanent establishment in India of such non-resident to the head office or any permanent establishment or any other part of such non-resident outside India shall be
deemed to accrue or arise in India and shall be chargeable to tax in addition to any income attributable to the permanent establishment in India, and the permanent establishment in India shall be deemed to be a person separate and independent of the non-resident person of which it is a permanent establishment, and the provision of this act relating to computation of total income, determination of tax and collection and recovery shall apply accordingly. Ab sir ye jo last baat aa gayi na ki baki ke provision lagu honge, ab kya hoga, jaise hi sir Citibank India, Citibank US ko interest ka payment karegi, TDS deduction karna padega. Citibank US ko bhi ab India mein return file karni padegi separate to its operations in India. So this is kind of going to bring a huge taxation compliance on those kind of foreign banks which operate in India through the branches. Whatever it is, the government has tried to contain them within the provisions of income tax law. One, to tax their income. Second, to ask them to ensure further compliance on the interest income which they earn through their Indian subsidiaries on the money which they lend from outside India to India. So, aisa agar aapse question aaye, to ab aapko kya bolna hai sir? Ke when the Citibank India would pay this 200 crore rupees, on this 200 crore rupees, it is supposed to deduct tax at source under section 195. The company, that is the Citibank US, would be separately taxed in India. It has to ensure that it is filing a separate return for such particular income in India again. Is prakar ke provisions ko sir aapko dhyan mein rakhte huye chalna hai. Chaliye, main aage chalta hoon sir, iske baad mein aayega section 9A. Ye tino amendment bade important hai sir. Ek 9 subsection 1 clause 1 mein explanation 6, dusra sir 9 subsection 1 clause 5 ke explanation mein aaya clause A, aur teesra sir jo main 9A lekar ke aa raha hoon, ये 9A सरकार लेकर के आई है, मैं नहीं लाया, ठीक है. दिस इज बेसिकली सर्टेन एक्टिविटीज नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. व्हाट इज इट, इसको समझिएगा सर. आप सब लोगों के लिए बड़े काम का सेक्शन है. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सर फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं. इफ यू गो टू मुंबई काइंड ऑफ लोकेशन विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट हैपन सर के मान लीजिए कोई एक सिंगापुर बेस्ड फंड है और ये फंड ने आपकी सर्विसेज ली, एंड थ्रू योर सर्विसेज यू आर लेट्स से सिटिंग इन इंडिया इन मुंबई. तो आप मुंबई में, आपका चर्च गेट के पास में आपका अपना ऑफिस है, वहां से ये पर्टिकुलर फंड ने आपको 1200 करोड़ रुपए मैनेज करने के लिए दे रखे हैं कि भाई ये 1200 करोड़ रुपए को हमारे को मैनेज करके दीजिए, और आपने उनको प्रोडक्ट ऐसा सेल किया अपना कि आप बोले कि साहब मैं आपको मिनिमम 10.5% का रिटर्न बना करके दूंगा साल. लेट्स से दैट इज अ गुड एनफ रिटर्न फॉर देम हु कम फ्रॉम अ कंट्री वेयर द 2% और इवन अ नेगेटिव रिटर्न कुड बी देयर. तो आपने किया क्या सर, आपने सारा इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इंडिया किया, इंडिया में कोई भी शेयर नहीं परचेस किया इससे. अगर इंडिया में किया होता तो डाउट ही नहीं था, क्योंकि उस कंपनी ने जो 1200 करोड़ रुपए इंडिया में खरीदा बेचा उसका ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन आपने क्या किया सर, वो उनका सिंगापुर में ही पैसा पड़ा है. आप तो इंडिया में बैठते हो और इंडिया से ग्लोबल मार्केट की जानकारी रखते हो, और आप इंस्ट्रक्शन भेजते हो आज ये वाला शेयर खरीदना है, ये बेचना है, इस प्रकार की ये डेरिवेटिव्स लेने हैं, ये बेचने हैं, कॉल पुट क्या करना है, वो सब आप इंडिया से मैनेज करते हो. अब क्या हो गया सर, मोमेंट यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया, इट विल बी ट्रीटेड टू बी एज इफ देयर इज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इन इंडिया. या अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं भी है तो भी सर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया तो एस्टेब्लिश हो गया. अब ये बिजनेस कनेक्शन का कॉन्सेप्ट भी सर ओईसीडी गाइडलाइन से आ रहा है, और वो ये कह रहा है कि इफ इट इज एस्टेब्लिश दैट एनी इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. सो क्या हुआ सर, क्योंकि इस प्रकार के प्रावधान धीरे धीरे बनते चले गए, सो मोस्ट ऑफ सच फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया. क्योंकि सर इंडियन टैक्स लॉज में ये डिस्प्यूट आ गया कि सर कहीं ये बिजनेस कनेक्शन तो नहीं. नाउ द टैलेंट ऑफ इंडिया वाज यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर यूजिंग बिकॉज वी ऑल आर विश्व गुरु. सो द पॉइंट इज व्हाट सर, कि ये जो इंडियन माइंड का जो यूज हो रहा था वो इंडिया से बाहर जाकर के होने लगा. जबकि सर आप समझिए, अगर वो बंदा इंडिया में बैठ करके काम करेगा तो एक तो सर इंडिया में उसकी फीस टैक्सेबल हो जाएगी, दूसरा सर जब इंडिया से ऑपरेशन करेगा तो इंडियन मार्केट को भी कहीं ना कहीं उससे सपोर्ट मिलना ही. So the government through the insertion of section 9A very clearly said a fund manager sitting in India is prima facie not the business connection, not the PE of such particular fund
इन इंडिया। वो जो फंड मैनेजर इंडिया में बैठा है सर, वो उसका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। तो इससे होगा क्या सर, ये जो फंड मैनेजर को खतरा लग रहा था कि कहीं ये 1200 करोड़ पर 10.5% कमाया तो इंडिया से बाहर वो इंडिया में टैक्सेबल ना हो जाए, वो टैक्सेशन सेक्शन 9A के आने से क्लियर हो गया। अब सेक्शन 9A पढ़ता हूं, बहुत सिंपल है सर, आपको समझ में आएगा। देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन द एग्जामिनेशन, इसलिए सर मैं इस पर इतना फोकस दे रहा हूं। सुनिएगा, नॉट दिस स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। अब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 क्या बोल रहा था सर, बिजनेस कनेक्शन से होने वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है बिकॉज इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। लेकिन ये कह रहा है नॉट इज स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन इन द केस ऑफ एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, द फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू एन एलिजिबल फंड मैनेजर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच फंड शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ऑफ सेट। उस फंड का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। अब जरा सुनिए सर, हमारे पास दो टर्म आ गई। एक तो टर्म आ गई सर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, और दूसरी टर्म आ गई सर ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन होता है। जरा आइएगा सबसेक्शन 4 पर, एलिजिबल फंड मैनेजर को डिफाइन करता है, मैं बस इसी को पढ़ूंगा। एलिजिबल फंड मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड मींस अ पर्सन हु इज एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ फंड मैनेजमेंट एंड फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली द पर्सन इज नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड और अ कनेक्टेड पर्सन टू द फंड। वो उसका एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द पर्सन इज रजिस्टर्ड एज अ फंड मैनेजर और एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड रेगुलेशन। नेक्स्ट, द पर्सन इज एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज द फंड मैनेजर। एंड द लास्ट, द पर्सन अलॉन्ग विद दिस कनेक्टेड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू मोर देन 20% ऑफ द प्रॉफिट एक्रूइंग और अराइजिंग टू द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय द फंड थ्रू द फंड मैनेजर। अगर इंडियन फंड मैनेजर बोलता है सर जितने प्रॉफिट बना के दूंगा उसमें 40% मेरा, क्योंकि मेरी वजह से आप कमा रहे हो, तो देन इन दैट केस सर फिर वो पर्टिकुलर फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी बिजनेस कनेक्शन होगी, इंडिया में टैक्सेशन आएगा। लेकिन मान लीजिए उसका रेशियो 18% तय किया गया, तो सर इंडिया में उसकी फंड मैनेजर की इनकम तो 18% टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन जिस कंपनी के साथ उसने काम किया है सर, वो फंड मैनेजर का इंडिया में उस फंड मैनेजमेंट कंपनी का इंडिया के अंदर कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। दिस इज सेक्शन 9A। सर आई अगेन रिक्वेस्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, ध्यान रख करके चलिएगा। मैं सर नेक्स्ट अमेंडमेंट पर चलता हूं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सर सेक्शन 10 11A। खास बात नहीं है सर इसमें, केवल इतनी सी बात है, वैसे तो खास ही है, मैं खास नहीं कह सकता ऐसे कि खास नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये सुकन्या समृद्धि योजना है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो एग्जम्प्ट है। और 80C में भी कॉरेस्पॉन्डिंगली अमेंडमेंट आ गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना में यदि आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको वहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। आगे चलते हैं सर इसके बाद में, 1023 FCA FC, इस तरीके के कुछ अमेंडमेंट है, मैं इनको अभी नहीं डिस्कस कर रहा सर, मैं अभी 1038 के अमेंडमेंट को भी नहीं डिस्कस कर रहा, बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं आता हूं सर सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 सर 11 12 13 ये तीन सेक्शन है, 11 12 13 बीच में 12A 12AA रजिस्ट्रेशन रिलेटेड भी बात आ जाती है। इन सब का सर जो प्रभाव आता है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर आता है। मैं स्पेसिफिकली सर अमेंडमेंट पर बोलता हूं। व्हाट इज द अमेंडमेंट, द अमेंडमेंट इज टू रिमूव एन एनामली विच वॉज प्रिवेलिंग बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी इन द लॉ। What was it? The government has said that if for the relevant financial year you could not apply or you could not even deemed to apply your money for public charitable or religious purposes, you can apply for accumulation. This accumulation is supposed to be done by way of filing a form 10. Now the rule governing such form 10 is specified that form 10 must be filed before 139 one period. Such a time period was absent in the law, but it was provided in the rule. So the concept says if the law does not provide the time, the rule cannot provide the same. So there has to be that law has to provide for the time. And therefore section 11 subsection 2 is amended to provide that if you want to do accumulation, form 10 must be filed before the expiry of 139 one period.
So a recognition to what was not there has now been specifically provided. कि अगर आपको accumulation करना है तो आपको 139(1) के period के अंदर अंदर जाकर के अपना accumulation कर देना है, पहली बात. दूसरी बात सर, एक और इन्होंने rigidity डाल दी, वो क्या? हो सकता है आपने form 10 within 139(1) period दाखिल कर दिया, लेकिन आपकी return belated हो गई. तो सरकार कह रही है अगर return belated हो गई तो भी आपका accumulation गया. So it means what? Not only you have to file form 10 before 139(1) period, you have to also file your return within 139(1) time. And this is equivalent to what we read in 139(3). Do you remember what is 139(3)? Loss return. It says when you have PGVP or capital gain losses and you do not file your return in time, you lose your right to carry forward. So, not exactly the same, but the symmetry is same. If you do not file your return in time as a public charitable public religious trust, what is bound to happen? You will lose your entitlement of carry forward of the accumulated amount as per the provision of 11 subsection 2. Bas sir, itni si baat hai. Main aage chalta hoon sir, aage suniyega. Iske baad mein aata hai sir 32 subsection 1 clause 2a. Section 32 subsection 1 clause 2a. Sir, section 32 subsection 1 is dealing with the depreciation. And 32 subsection 2 is dealing with the unabsorbed depreciation. 32 subsection 1 is dealing with the depreciation. And 32 subsection 2 is dealing with the unabsorbed depreciation. 32 subsection 1 clause 2a, it deals with additional depreciation. Thoda sa specific hona padta hai sir, mere jaise ke saath mein aapko. Theek hai? Aur ye exam mein kaam aati hai sir baat. If you can be specific, then please write the specific section. ठीक है, अगर नहीं आता तो आप लिख दीजिए द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एटलीस्ट दैट वुड हेल्प यू. प्लीज डू नॉट राइट इनकम टैक्स एक्ट 2030. अभी अभी फर्स्ट ग्रुप देकर के आए हैं, ठीक है, तो वो लगा रहता है 2013 दिमाग में रहता है. आपको लग सकता है मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी ऐसा कर देता हूं. ठीक है, ऐसा होता है. बस अपने आप को ध्यान रखिए आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं. नाउ सर, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, वी ऑल नो, प्रोवाइड्स एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 20% if you use the particular plant and machinery for manufacturing or production purposes, and certain specific set of plant and machinery has been specified therein. Now, this plant and machinery would be entitled to claim additional depreciation to the tune of 10%, that is half only, when your put to use period is less than 180 days. So, the matter of contention was that what about the balance 10% which we could not claim this year, should we be able to claim in the next year or not? And the number of litigation case laws have been there which said that yes, the assessee should be entitled to claim the remaining amount in the subsequent year. But there was no clarity in the law. Now that clarity has been provided, where you cannot claim that 10% during the current financial year, you can claim it in the next financial year. So very simple for us. Now what about from exam point of view, ke aapko aisa bol de sir, kyunki aapka financial year hai 15-16. और आपको ऐसा बोले कि सब फाइनेंशियल ईयर 14-15 में एसएससी ने कोई एसेट पुट टू यूज करी थी और उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लेट से 2 करोड़ रुपए की उस पर 10% क्लेम हुआ था, तो वो 10% रह गया था. इस साल की डब्ल्यूडीवी आपको कैलकुलेट करनी है, तो क्या सर इस साल की डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करते समय वो जो 2 करोड़ पर आपको 10% ही मिला था और रिमेनिंग 10 नहीं मिला, उस रिमेनिंग 10 को इस अमेंडमेंट की वजह से इस साल क्लेम कर लोगे क्या? इस अमेंडमेंट की वजह से तो नहीं क्लेम करेंगे. तो आप क्या लिखेंगे सर कि दिस अमेंडमेंट डज नॉट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट द केस लॉज आर देयर विच आर इन द फेवर ऑफ द असेसी सेइंग दैट वेयर द डेप्रिसिएशन कुड नॉट बी क्लेम इन 20% बिकॉज ऑफ एसेट बीइंग पुट टू यूज फॉर अ पीरियड लेस देन 180 डेज, सच डेप्रिसिएशन विच इज एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग 10% शुड बी अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट ईयर, एंड देयर फॉर इन द गिवन केस आई एम कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन बाय प्रोवाइडिंग That additional depreciation even. समझ गए सर, आपको distinguish करना आना चाहिए कि क्या मैं amendment को deal कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा. तो कई लोग तो लिख देंगे सीधे के Finance Act 2015 ने amendment कर दिया है. सर Finance Act 2015 ने पीछे से amendment नहीं किया सर, आगे के लिए किया है. कहां से लागू होगा? 16-17 से. लेकिन आप चाहो तो 15-16 के लिए impact ले सकते हो. एक बात और सर, technically मैं बार बार ऐसा कहता हूं, आपको फिर कहता हूं सर, अगर आपको दिख जावे कि अमेंडमेंट का क्वेश्चन है और आपको ध्यान है, आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं, तो आप लिखिए द फाइनेंस एक्ट 2015 हैज मेड अमेंडमेंट इनटू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A टू प्रोवाइड दैट. नाउ दिस इज द टेक्निकल लेवल,
दिस इज द टेक्निकल लेवल विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू।